नमस्कार दोस्तों, कुकिंग लाइसवी तक जन्मे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी नाश्ता रेसिपी जो आपको बेहद पसंद आने वाली है, जो हमने बनाई है पोहे से और सूजी से। बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, और बहुत ही कम ऑयल में बनाकर तैयार की है, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती खाने में। साथ में यहाँ पर ये चटनी बनाई है जो कि कोकोनट चटनी है, इसके साथ ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो ये कैसे बनाई जाती है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक कप मैंने पोहा लिया है, तो हम पोहे को पहले धो लेते हैं। तो इसे बाउल में हम निकाल लेंगे, उसके बाद इसमें पानी डालकर अच्छी तरह से हाथों से मसल कर इसको धो लेना है। अभी जो इसका एक्स्ट्रा पानी है इसको हम निकाल देंगे, और 5 मिनट के लिए हम पोहे को ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए अभी इसे साइड रख देंगे। अभी देखिए 5 मिनट हो चुकी हैं और ये पोहा सॉफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मिक्सी का जार लेते हैं, उसमें पोहे को हम डाल देंगे। इसमें साथ में आधा कप यहाँ पर मैंने सूजी ली है, ये भी इसके साथ डाल देंगे। 3 अदरक के टुकड़े, 3 हरी मिर्च डाल देंगे इसमें, और थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 3 से 4 चम्मच। हरी मिर्च आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। और देखिए इस तरह से मिक्सी में इसको पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक से पीस लेना है। अभी देखिए यहाँ पर इसको एक बाउल में हम निकाल लेंगे। अभी बाजार में थोड़ा सा पानी डालकर धोकर इसमें डाल देंगे। अभी इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, इसमें नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। अभी यहाँ पर इसको मिक्स कर देंगे और इसे 10 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो सूजी हो अच्छी तरह से फूल जाए। तो देखिए इस तरह से मिक्स कर दिया, अभी ढक देते हैं इसको और साइड में रख देंगे। अभी हम चटनी बनाते हैं, तो यहाँ पर वही जार लेंगे, उसमें डाल देंगे सूखा नारियल लिया मैंने, आप चाहे तो फ्रेश नारियल हो आपके पास तो उससे बना सकते हैं। 2 इसमें हरी मिर्च और 2 टुकड़े इसमें अदरक के डाल देंगे, साथ में नमक डाल देंगे थोड़ा सा, और इसमें पानी डाल देंगे आधा कटोरी, और इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे मिक्सी में। और ये देखिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया इसको पीस लिया है, और ये हमारी चटनी बनकर तैयार है। सूखे नारियल से भी बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी चटनी बनती है। तो ये देखिए इस तरह से बना लेंगे, इस नाश्ते के साथ ये चटनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए अभी सूजी फूल चुकी है, तो इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है। अभी यहाँ पर मैंने इसमें आधा चम्मच इनो होती है ना जो, वो डाली है। आप चाहे तो इसमें बेकिंग सोडा डाल सकते हैं आधा चम्मच, साथ में नींबू का रस डाल दें तो तब भी अच्छा ही बनेगा नाश्ता, लेकिन मैंने इसमें इनो डाला है आधा चम्मच। अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी आप इसे किसी थाली में या प्लेट में बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसे थोड़ा सा ऑयल लगा कर अच्छी तरह से फैला देंगे, उसके बाद इसमें जो बैटर है उसको डाल देंगे। अभी बैटर को अच्छी तरह से इसको इस पर फैला देंगे, अच्छी तरह से एक समान कर देंगे। अभी चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर देखिए मैंने कढ़ाई में पानी रख दिया था जो कि बॉईल हो चुका है। अभी इसी में यहाँ पर हम ये प्लेट रख देंगे, अच्छी तरह से इसको रख देना है, उसके बाद इसे ढक देंगे। कम से कम 10 से 15 मिनट इसको लगेगी पकने में। तो अभी 15 मिनट हो चुकी हैं, और ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये ऊपर से हम चेक करेंगे ना ऐसे हाथ लगाकर उंगली की सहायता से, तो ये सूखा मिलेगा बिल्कुल, तो ये पक जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसे टूथपिक से भी चेक कर सकते हैं, तो उससे भी बढ़िया या फिर चाकू से आप चेक कर सकते हैं। यदि गीला है तो और से पकने दें, सूखा है तो मान लें कि ये नाश्ता पक चुका है। अभी देखिए इसे चाकू की सहायता से यहाँ पर पीस कट कर लेंगे इसके। बहुत ही सॉफ्ट बना है ये नाश्ता, बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है सभी को। ये देखिए बहुत ही अच्छा जालीदार बना है, तो इसके पीस हम कट कर लेंगे और ये देखिए निकाल लेते हैं। बहुत ही बढ़िया ये पीस बने हैं इसके, ये देखिए बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट रहता है, और देखिए बहुत ही ज़्यादा जालीदार बना एकदम, देखिए बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरह से सारे पीस हम निकाल कर रख लेते हैं। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं चटनी के साथ, लेकिन थोड़ा सा इसमें तड़का लगाया जाएगा ना तो और भी ज़्यादा ये टेस्टी हो जाएगा खाने में। तो इसके सारे पीस ऐसे निकाल लेंगे पहले। बहुत ही अच्छे से पका है ये, बिल्कुल नीचे नहीं लगा है, और बहुत ही अच्छे से एकदम जालीदार बना है।
ये देखिए अभी सारे पीस ऐसे जैसे सैंडविच के आकार कैसे कट कर लेंगे, देखिए इस तरह से किसी भी शेप के आप इसे कट कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पर मैंने सैंडविच आकार के जैसे बनाए हैं, देखने में सैंडविच लग रहे हैं। ये देखिए इस तरह से कट कर लेंगे सारे पीस। ये देखिए सारे पीस मैंने कट कर लिए हैं, इस तरह से आप कट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा देखने में अच्छे लगेंगे और बहुत ही ज़्यादा ये पसंद भी आएंगे, बच्चों को खासकर ये पसंद आती है रेसिपी। तो देखिए अभी ये बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसमें थोड़ा सा तड़का लगा लेंगे। तो यहाँ पर इसमें एक चम्मच थोड़ा सा डाल दिया मैंने, डेढ़ चम्मच इसमें घी डाला मैंने। आप कोई भी ऑयल भी डाल सकते हैं, अच्छी तरह से इस फैला देंगे। और यहाँ पर इसमें थोड़ी सी जैसे सरसों के दाने होते हैं ना, वो डाल देंगे, अच्छी तरह से फैला देंगे। ये देखिए इस तरह से। अभी कुछ कड़ी पत्ते लेंगे, उसको भी ऐसे फैला देंगे। साथ में यहाँ पर इसमें जैसे सफ़ेद तिल होते हैं ना, वो लिए हैं। और यहाँ पर गैस को मीडियम रखा है। अभी सारे पीस इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको पकने देंगे। बहुत ही ज़्यादा ही टेस्टी बन जाएगा। अभी इसे पलट देंगे, देखिए इस तरह से। बहुत ही कम तेल डाला है मैंने इसमें, घी डाला बहुत ही कम डाला है, एक चम्मच के लगभग डाला है। और ये देखिए इस तरह से पीस को हम थोड़ा सा सुनहरा होने देंगे, उसके बाद इनको हम प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से सारे मैंने बना लिए हैं, तड़का लगा दिया है, बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। और साथ में नारियल की चटनी, बहुत ही ज़्यादा ये स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ही पोहे और सूजी का नाश्ता बनकर तैयार है। बहुत ही ज़्यादा ये स्वादिष्ट लगता है, बड़ों को बच्चों को सभी को पसंद आता है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छा बनेगा और सभी को पसंद आएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ।